पावन दिवस जब गंगा माँ के पूजन के साथ आज दिन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 पर नामांकन करने का कार्यक्रम, उससे पहले वो काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। माँ गंगा को ब्रह्मद्रव के रूप में काशी के विशेष स्थान में और भी ज़्यादा महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माँ गंगा वहाँ पर उत्तरवाहिनी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने पिता भगवान शंकर की ओर उन्मुख होती हैं। और दशाश्वमेध घाट, ये वही प्रसिद्ध पौराणिक घाट जहाँ पर ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और आज प्रधानमंत्री उसी ऐतिहासिक पौराणिक स्थल पर माँ गंगा का पूजन करते हुए मंत्रोच्चार के बीच।
Yeah.
कई बार दिखा लो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की दशाश्वमेध घाट से। काशी प्रवास का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने आज माँ गंगा के पूजन के साथ आज दिन की शुरुआत की और अत्यंत प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर जाकर के उन्होंने माँ गंगा का पूजन किया। और आज अद्भुत संयोग है कि आज गंगा सप्तमी, मान्यताओं के अनुसार आज माँ गंगा का अवतरण का दिन भी माना जाता है। और नामांकन से पहले माँ गंगा के पूजन के साथ आज दिन की शुरुआत, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में भी दर्शन और पूजन के लिए जाएंगे। संपूर्ण षोडशोपचार विधि से उन्होंने माँ गंगा का पूजन किया, आरती की, और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। काशी में भगवान विश्वनाथ और काल भैरव के साथ साथ माँ गंगा का पूजन अत्यंत महत्व रखता है। और काशी के अपने महात्म्य से, जिसको पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव का स्थान माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर ये काशी अवस्थित है, प्राचीन नाम जिसका आनंदवन था। और इसे, इस भूखंड को ब्रह्मांड के भूखंड से अलग समझा जाता है। मोक्षदायिनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी काशी की धरा, मोक्षदायिनी बाबा विश्वनाथ, और उनके द्वारा हर जीव को दिया जाने वाला तारक राम मंत्र, जिसके लिए काशी प्रसिद्ध है, जानी जाती है। अनेकानेक लोग यहाँ पर आकर के अपने अंतिम दिनों में काशीवास करना चाहते हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो पोस्ट में 10 साल पहले जब वो पहली बार काशी नामांकन के लिए आए थे, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त अनायास ही उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि न वो आए हैं, न उन्हें किसी ने बुलाया है, बल्कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। ये उक्तियाँ, ये पंक्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हुई उस वक्त। आज फिर से उन स्मृतियों को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने वीडियो पोस्ट में बहुत ही भावुक दिखे, और उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें लगता है कि माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। शब्दों से परे वो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे माँ गंगा के साथ अपने संबंध को, काशी के साथ अपने संबंध को। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ही नहीं, काशी, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के साथ उनका जो आध्यात्मिक संबंध है, उनके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आज दिन की बहुत ही क्या कहें, बेहतरीन शुरुआत आज हुई है। नामांकन के दिन गंगा पूजन हो गया है, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, थोड़ा सा बताएं, और कल के रोड शो के बाद आज काशी में क्या माहौल है? बिल्कुल, रोड शो की अगर बात करें तो कल का रोड शो, प्रधानमंत्री आज नामांकन करेंगे अपना तीसरी बार वाराणसी से, और नामांकन पहले प्रधानमंत्री का रोड शो परिणाम दिखा रहा था क्या होगा। समस्त काशीवासी मानो उस रोड शो में उमड़ आए हैं, किस तरीके से वहां पर दिख रहा था। और माने ये काशीवासी खासतौर से जो पीएम मोदी को प्रेम करते हैं,
वो लगातार दिख रहा था। हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में काशी पूरी बन गई है, यहाँ पर जिस तरीके से विकास कार्य किए गए हैं, सर्वांगीण विकास कार्य किए गए हैं, चाहे वो घाटों के विकास कार्य हो, पूरे शहर के विकास कार्य हो या पूरे जनपद के विकास कार्य हो, ग्रामीण अंचल में हो। लेकिन एक बात सबसे जो नहीं बची 10 सालों में, वो था काशी वासियों का मोदी से प्रेम। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद बनने के लिए आए थे पहली बार, तब वही उन्होंने कहा था कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। वो प्रेम, वो संकल्प उनका गंगा के प्रति इतना है, क्योंकि इस समय जो गंगा जिस तरीके से हम देखें निर्मल, आसपास के घाटों का जो विकास हुआ है, जो स्वच्छता आई है, समय तो पहले भी था, यहाँ पर लोग घाटों पे आते थे लेकिन अब घाट दिखते ही बनते हैं। जो सौंदर्यीकरण किया गया यहाँ पर पिछले 10 सालों में, वो अद्भुत है और उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये कहा जा सकता है कल्पना से परे था ये बात, लोग सोच नहीं सकते थे जब पीएम मोदी की गंगा हमें स्वच्छ करनी है, लेकिन आज करके दिखा दिया। ये चीज यथार्थ हो गई, जल यातायात से काशी को जोड़ा गया हो, तमाम सारी चीजें हो जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं था। अगर बात करें तो लोग हंसते थे क्या सकता है, वो सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विकास, विकास के साथ साथ विरासत, इन दोनों का एक सामंजस्य, ये मोदी सरकार की नीति के केंद्र में रहा है। और काशी, जैसा कि आपने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिसमें माँ गंगा के तट के साथ सीधे बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह को जोड़ने की जो ये प्रक्रिया थी, उसको इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और अगर आप लोगों के आने की संख्या में देखें, इजाफा कितना ज़्यादा हुआ है, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं नए कॉरिडोर बनने के बाद में। तो न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और विकास की दृष्टि से भी जो काशी का विकास हुआ वो ज़मीन पर दिखता है। और आज बहुत ही अहम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।